धौलपुर में राजाखेड़ा के कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही, साथ ही सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाए जाने पर भी विरोध जताया। सबसे बड़ी उनकी यही बात आ रही है गांव में कि सबसे ज्यादा लाइट, मतलब 6 घंटे की कहा है लेकिन 6 घंटे भी लाइट नहीं आ रही है। अगर 1-2 घंटे लाइट आती है तो 5 घंटे वो लोग 3 घंटे ऐसे निकालते हैं, हर आधा घंटे में लाइट कट रही है, पूरा 3 घंटे 1 घंटे के मान के चलो। और इस टाइम किसानों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि आलू की जो फसल होती है पानी पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि सर्दियाँ इतनी तेज बढ़ रही हैं कि अगर 10 दिन में या 15 दिन के अंदर पानी नहीं लगा तो पाला पड़ने से किसानों की फसल भी नष्ट हो जाएगी। तो मैं जो सरकार आप चुनी गई है उससे मैं यही निवेदन करूँगी कि भाई आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि हमारा किसान भाई अगर पीड़ित रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी और इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आप लोगों के बीच में आए हैं क्योंकि कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारे किसान भाई, हमारे बेरोजगार युवा साथीगण इन दोनों को फेस कर रहे हैं। रात को बेचारे किसान भाइयों को इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि रात को हमारे किसान भाइयों को ठंड में जगना पड़ रहा है और पानी देना पड़ रहा है खेतों में, क्योंकि पिछले 3 साल से कांग्रेस की सरकार में हमने सुबह बिजली देना शुरू करा था, उसको इनने बिजली को सुबह बिजली देना बंद कर दिया और इसको चालू कर दिया। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा, आज इनने एक ऑर्डर निकाल के हमारे युवा राजीव गांधी 5000 नंबर में थे पूरे राजस्थान में, उनको हटाने का ऑर्डर पास कर दिया। तो इस बारे